Fact number one. Tell me your habits and I will tell you whether you will be successful or not. Guys, क्या आपने इससे पहले तक ये question सुना है? क्योंकि habit एक ऐसी चीज़ है जो ये बताने के लिए काफी है कि आप जीवन में कामयाब होंगे या नहीं। कोई भी action habit तभी बनता है जब उसे repeatedly किया जाता है। ऐसे में आप किन actions को habit में convert करेंगे, अच्छे या बुरे, या फिर planning के साथ कुछ ऐसे action जिससे success पाना और भी आसान हो जाए। अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आपको भी कुकू एफएम पर नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई सफलता के लिए 13 सर्वश्रेष्ठ आदतें की ऑडियो बुक जरूर सुननी चाहिए। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से ज्यादा आर्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। वहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड A2M50 फॉर 50% डिस्काउंट, यानी कि आपको 399 रुपए का सब्सक्रिप्शन मात्र 199 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स तक ही है, तो जल्दी कीजिए ना। फैक्ट नंबर टू। गाइस, हम सबने ये देखा था कि कैसे लोग नोटबंदी के टाइम पे अपने पैसे लेकर बैंकों के सामने लाइनें लगाकर खड़े रहते थे। बड़ा ही आपदा का टाइम लगता था, पर आपदा में अवसर ढूंढने वाला ही पैसे वाला बनता है। ऐसे ही न्यूयॉर्क में रहने वाले रॉबर्ट सैमुअल ने लाइन में लगने को ही अपना स्टार्टअप का तरीका बना लिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। दरअसल 2014 में जब वो बेरोजगार थे और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, तब एक दिन उन्होंने एक अमीर आदमी को एप्पल के स्टोर के बाहर लाइन में खड़े देखा। फिर रॉबर्ट ने उस आदमी से जाकर उनके लिए लाइन में लगने की बात कही और मजे की बात यह थी कि वो मान गया, क्योंकि आजकल टाइम किसके पास है। और इसके बदले रॉबर्ट को $350 मिले। जी हाँ गाइस, सिर्फ लाइन में लगने के 24,000 रुपए, जो कि उनकी जिंदगी की सबसे आसान कमाई थी। बस फिर क्या था, उन्होंने इसे अपने करियर के तौर पे शुरू कर दिया और अपने दोस्तों को भी नौकरी पर रख लिया। अब ये इनकी कंपनी ही बन गई है जिसमें ये लोगों को लाइन में खड़े रहने की सर्विस देते हैं। गाइस, है ना ये अनोखा स्टार्टअप आइडिया? आपका स्टार्टअप आइडिया के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। फैक्ट नंबर 3। गाइस, अक्सर पूरी रात सोने के बाद भी सुबह उठकर हम फ्रेश और एक्टिव फील नहीं करते, बल्कि हमें थकान महसूस होती है और लगता है अभी नींद पूरी हुई ही नहीं है। इस समस्या को डिस्टर्ब्ड स्लीप भी कहते हैं। गाइस, ऐसे तो इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं, पर इनमें से एक है स्लीप एपनिया। अब ये स्लीप एपनिया क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये सिम्टम्स उनके अंदर ही पाए जाते हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI 30 से ज्यादा होता है। जब हम रात को सोते वक्त खर्राटे लेते हैं या फिर सांस रुकने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हमारा दिमाग हमारे शरीर को सिग्नल देता है और हमारी नींद टूट जाती है। जब हम दोबारा सोने की कोशिश करते हैं तो नींद गहरी होते ही वही प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। रात भर चलने वाली प्रक्रिया से हमारी नींद डिस्टर्ब्ड होती है और यही कारण है कि 7-8 घंटे सोने के बाद भी थकान महसूस होती है, जिसके कारण दिन के समय हमें नींद आती रहती है, जिसे एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग भी कहते हैं। गाइस, अब आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या ये बीमारी आपको भी है। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।